the broads in Atlanta. Cheese with the lean, the family. Credit cards and scams. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टूरिस्ट मेनिया। माय नेम इज प्रियांशु एंड आई एम बैक विद अनदर न्यू एंड अ फ्रेश वीडियो। सो गाइस, आज का जो वीडियो है वो अपने जितने भी जीटी लवर्स है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल होने वाला है। बिकॉज देख सकते हो गाइस, आज मैं अपने चैनल पे एक कॉन्टिनेंटल जीटी 650 का जो रिव्यू है वो करने वाला हूं। सो अगर आप ये बाइक लेने के लिए सोच रहे हो एंड इस बाइक में इंटरेस्टेड हो तो आप लोग के लिए ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। बिकॉज आज के वीडियो में मैं इस बाइक का फुल डिटेल्स एंड स्पेसिफिकेशंस आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं अलॉन्ग विद दी प्राइसिंग। एंड इन लास्ट इस बाइक का जो ओनर है उनके साथ भी मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा एंड उनका जो एक्सपीरियंस है वो भी आप सबके साथ शेयर करूंगा। मेक श्योर गाइस, बिना स्किप के वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे सारा इन्फॉर्मेशन मिल पाए एंड आपके जो भी डाउट्स है इस बाइक को लेके वो सारे डाउट्स क्लियर हो पाए। तो चलते हैं, और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो लेट्स गो। सो गाइस, प्रेजेंटिंग यू दी ऑल न्यू रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल जीटी 650। सो ये रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली एक काफ़ी प्रीमियम कैफे रेसर है जो कि अपनी दमदार लुक्स एंड दमदार पावर के लिए जानी जाती है। तो सबसे पहले हम बात करने वाली इस बाइक की लुक्स की। एंड लुक्स में सबसे पहला चीज़ आप नोटिस करोगे सामने की तरफ पे वो है इसका ये शानदार फुल LED हेडलैम्प सेटअप। यहाँ पे आपको रॉयल एनफील्ड का छोटा सा एक लोगो देखने को मिल जाता है एंड आपको दोनों साइड पे आपको जो DRLs है वो देखने को मिल जाते हैं। एंड लाइट की जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी डिसेंट जो थ्रो है वो आपको देखने को मिल जाता है। एंड अगर ऊपर की तरफ अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको कोई भी विंडशील्ड जो है वो स्टॉक बाइक में देखने को नहीं मिलता है। बट अगर आप चाहो तो आप रॉयल एनफील्ड की तरफ से इसमें जो विंडशील्ड है वो भी लगा सकते हो, जिसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। एंड थोड़ी नीचे की तरफ अगर हम आए तो ये रहा इसका इंडिकेटर्स। तो देख सकते हो गाइस, इसमें आपको एक काफ़ी बॉक्सी टाइप का क्रोम फिनिश में इंडिकेटर्स देखने को मिल जाता है। एंड ये जो इंडिकेटर्स है जैसे देख सकते हो, इसमें आपको नॉर्मल हैलोजन बल्ब वाले जो इंडिकेटर्स है वो देखने को मिलते हैं। नीचे की तरफ अगर आए तो ये रहा इसका फोक। तो आपको इस बाइक में सामने की तरफ पे एक 41mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। एंड अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको इसमें जो फोक गेटर्स है वो भी देखने को मिल जाते हैं। सो ये भी काफ़ी एक यूजफुल सी चीज़ है, ये आपके बाइक के फोक सील को डस्ट एंड मड से प्रोटेक्ट करता है। की तरफ हम आए तो ये रहा इस बाइक का मड गार्ड। तो देख सकते हो गाइस, इस बाइक में आपको काफ़ी शॉर्ट एंड सिंपल सा जो मड गार्ड है वो देखने को मिल जाता है। एंड ये प्लास्टिक फाइबर का मुझे लग रहा है। एंड डिज़ाइन देख सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया है जो कि बाइक के ओवर और लुक के साथ काफ़ी अच्छा तरीके से मैच करता है। एंड यहाँ पर आपको थोड़ा जो इसको एक्सटेंड भी कर दिया गया है ताकि जो मड है वो आपके इंजन एरिया तक ना पहुँच सके। एंड यहाँ पे आपको सस्पेंशन के दोनों ही तरफ आपको इस तरीके के जो रिफ्लेक्टर्स है वो देखने को मिल जाते हैं जो कि बाइक की विजिबिलिटी रात के टाइम पे काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ा देते हैं। सस्पेंशन के बाद हम आते हैं इस बाइक के टायर्स की तरफ पे। स्टॉक बाइक में आपको आपको स्पोक व्हील्स ही देखने को मिलते हैं। उसी के साथ गाइस, अगर कंपनी में इसका जो टॉप एंड वेरियंट्स है उसमें आपको एलॉय व्हील्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बट मेरे अकॉर्डिंग जो स्पोक व्हील्स वाला जो डिज़ाइन है वो इस बाइक के कैरेक्टर के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से मैच करता है। इसका एक ड्रॉबैक है, इसमें आपको जो ट्यूबलेस टायर्स जो हैं वो देखने को नहीं मिलते हैं। तो अगर वाकई बाइक कभी पंचर होती है तो उस टाइम पे आपको थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करना पड़ सकता है बिकॉज बाइक का जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो पंचर के टाइम पे थोड़ा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इसका जो लुक्स है वो काफ़ी अच्छे तरीके से इस बाइक में निकल के आता है। एंड टायर साइज़ की बात करूँ तो आपको इस बाइक में फ्रंट की तरफ पे 100x90x18 सेक्शन के फ्रंट टायर्स देखने को मिल जाते हैं। एंड इसकी जो ग्रिपिंग है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके के देखने को मिल जाएंगी। सामने तरफ आपको रेडियल टायर्स जो है वो देखने को मिल जाता है। ये रहा इस बाइक का फ्रंट ब्रेक। सो आपको इस बाइक में फ्रंट की तरफ पे एक 320mm का सिंगल डिस्क मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको बाइब्रेक के ब्रेक कैलिपर्स देखने को मिल जाते हैं। गाइस, अब हम आते हैं इस बाइक के साइड लुक की तरफ पे। तो देख सकते हो गाइस, बाइक साइड से भी काफ़ी अच्छी एंड काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। काफ़ी एक बोल्ड एंड मस्कुलर सा जो डिज़ाइन है वो देखने को आपको इसमें मिल जाता है। एंड बात करूँ कलर ऑप्शंस की, सो आपको इस बाइक में टोटल 6 कलर ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। एंड ये जो पर्टिकुलर कलर जो हमारे सामने है उसका नाम है द ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन कलर। सो गाइस, इस कलर की बात करूँ तो ये भी जो कलर है अपने आप में काफ़ी ज़्यादा यूनिक है एंड देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड इसके अलावा एक इसमें मिस्टर क्लीन बोल के भी कलर आता है जो कि इसका टॉप एंड वेरियंट पर देखने को मिल जाता है, वो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड अगर इस कलर ऑप्शन की बात करूँ तो वो भी देखने में बहुत ही ज़्यादा यूनिक है एंड बाइक को एक काफ़ी अच्छा सा जो लुक है वो प्रोवाइड करता है। एंड आपको कॉन्टिनेंटल जीटी में सबसे बेस्ट कलर कौन सा लगता है आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। एंड बाइक के अगर हम थोड़ी सामने की तरफ आए तो ये रहा इस बाइक का टैंक। सो आपको इस बाइक में एक 12.5 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है, जिसकी जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से की गई है। काफ़ी अच्छे जो यहाँ पे कर्व्स जो है एंड कर्व्स जो है देखने को मिल जाती है जो, एंड ये फुल मेटल का है। एंड इस बाइक में गाइस बेसिकली मैं बता देता हूँ कि प्लास्टिक का यूज़ बहुत ही कम जगह पे किया गया है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बाइक में मैक्सिमम पार्ट जो है आपको मेटल के देखने को मिलेंगे, जिसके कारण बाइक का जो वेट है वो बढ़ता है। बट इसी चीज़ में इस बाइक का जो फील है वो भी आता है। सो टैंक देख सकते हो, टैंक कुछ इस तरीके का है। एंड टैंक के ऊपर अगर ये कलर के ऑप्शन की बात करूँ तो आपको यहाँ पे एक जो स्ट्राइपिंग है वो ग्रे कलर की देखने को मिलेंगी जो कि ग्रीन कलर के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से मैच करती है। एंड टैंक के दोनों ही तरफ आपको इस तरीके का जो लोगो है वो देखने को मिल जाएगा जो कि दोनों ही तरफ पे है। मैं आपको दिखा देता हूँ इस साइड से भी, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड काफ़ी ज़्यादा बेसिक सा लगता है।
एंड काफी ज्यादा अपीलिंग भी लगता है। अगर माइलेज की बात करूँ तो आपको इस बाइक से ऑलमोस्ट 25 km/h का जो माइलेज है वो देखने को मिल जाता है। सो आप ज़्यादा माइलेज इस बाइक से एक्सपेक्ट मत करना, बिकॉज आप एक 650 cc की बाइक चला रहे हो। सो माइलेज आपको 25 के आसपास कहीं इस बाइक में देखने को मिलता है। एंड ये रहा इस बाइक का इंस्ट्रूमेंट कंसोल। सो देख सकते हो गाइस, इस बाइक में आपको काफ़ी सिंपल एंड काफ़ी बेसिक सा डुअल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिल जाता है, जो कि काफ़ी बेसिक सा है। ऑन करने के बाद ये फुल स्वाइप लेता है एंड इसमें आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है लाइक स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, यहाँ पे आपको ABS लाइट्स, पासिंग लाइट्स, बैटरी इंडिकेटर्स हुआ एंड यहाँ पे आपको छोटा सा एक MID मिलता है, जिसमें कि आपको जो फ्यूल लेवल है वो देखने को मिलता है। बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि आप इस बटन के को टॉगल करके यहाँ से देख सकते हो। काफ़ी बेसिक सा है बट बाइक के क्लासिक लुक के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से मैच करता है। देख सकते हो गाइस, आपको इस बाइक में एक क्लिप ऑन हैंडल बार का जो सेटअप है वो देखने को मिलता है, जो कि कुछ इस तरीके का है। एंड यहाँ पे भी आपको सामने की तरफ पे एक रॉयल एनफील्ड का जो लोगो है वो देखने को मिल जाता है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड ये रहा इस बाइक का स्विच गियर्स। सो गाइस, स्विच गियर्स की जो क्वालिटी है वो भी आप चेकआउट करो। अभी इसमें जो मीटियोर वाले जो स्विच गियर्स है वो आपको देखने को मिलते हैं। जैसे देख सकते हो यहाँ पे आपको जो हजार्ड लाइट का जो स्विच है वो देखने को मिल जाता है। स्विच में ही आपको जो इंजन स्टार्ट स्टॉप का जो बटन है वो देखने को मिल जाता है। एंड अगर हम इस तरफ अगर हम आए तो यहाँ पे आपको जो पासिंग का जो लाइट है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो इंडिकेटर्स के जो कंट्रोल्स है वो देखने को मिलते हैं। एंड ये रहा इसका हॉर्न। तो इसका जो हॉर्न है वो भी मैं आपको एक बार सुना दे रहा हूँ। सो गाइस, देख सकते हो काफ़ी अच्छा एंड काफ़ी लाउड सा जो हॉर्न है वो आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। एंड ये रहा इस बाइक का हैंडल बार ग्रिप्स। तो ग्रिप्स की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी कंफर्टेबल सा जो ग्रिप्स है वो देखने को मिल जाता है। एंड ये रहा इस बाइक का स्टॉक मिरर्स। सो स्टॉक बाइक में आपको काफ़ी एक बेसिक सा जो मिरर्स है ब्लैक कलर में देखने को मिलता है, बट इसके अलावा भी कंपनी में इसको साइड मिरर्स के बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। इसमें आप बार एंड मिरर्स जो है वही अगर आप चाहो तो आप लगा सकते हो। लीवर्स की बात करूँ गाइस, तो इसका ये रहा इसका ब्रेक लीवर एंड ये रहा इसका गियर लीवर्स, जो कि फुल्ली एडजस्टेबल है। एक यहाँ पे लीवर दिख रहा होगा जिसको आप रोटेट करके इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। एंड ये भी आपको फुल क्रोम फिनिश में ही देखने को मिलते हैं। देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा एंड काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। एंड नीचे की तरफ अगर हम आए तो ये रहा इस बाइक का इंजन। तो बात करें इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशंस की, तो आपको इस बाइक में एक 647.9 cc का पैरेलल ट्विन सिलेंडर एयर एंड ऑयल कूल्ड FI इंजन मिल जाता है विद 6-speed ट्रांसमिशन, जो कि आपको 46.8 bhp का मैक्स पावर एंड 52.3 Nm का मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस करके दे देता है, जो कि काफ़ी अच्छा पावर आउटपुट है। एंड जब इस बाइक को आप राइड करोगे तब इसका जो पावर है वो आप फील कर पाओगे। जैसा कि मैंने बताया, इस बाइक में आपको FI सिस्टम देखने को मिल जाता है, जिसके हेल्प से इसका जो परफॉर्मेंस है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। मैं इस बाइक को जब राइड करूँगा तो आपको और डिटेल में मैं बताऊँगा। एंड अगर सामने से देखो तो ये फुल क्रोम में है। यहाँ पे अगर स्टॉक बाइक में आपको कोई भी प्रोटेक्शन जो है वो देखने को नहीं मिलता है, तो जब आप बाइक परचेस करते हो तो आप इसमें ज़रूर से जो क्रैश गार्ड है वो इंस्टॉल कर लेना, बिकॉज बाइक काफ़ी ज़्यादा हैवी है। तो क्रैश गार्ड लगाने के बाद आप भी प्रोटेक्टेड रहोगे एंड आपकी बाइक जो है वो भी प्रोटेक्टेड रहेगी। ये रहा इस बाइक का जो ऑयल कूलर है वो, सो यहाँ पे भी आपको जो ऑयल कूलर का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। एंड ये रहा इस बाइक का पैरेलल ट्विन इंजन का जो ट्विन एग्जॉस्ट है वो। एंड यहाँ पे देख सकते हो गाइस, यहाँ पे भी आपको कंपनी की तरफ से एक जो सम्प गार्ड है वो देखने को मिल जाता है, जो कि अगेन लगाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर कोई भी पत्थर आपके बाइक को नीचे से हिट करेगा तो आपकी बाइक का जो ये वाला जो एलिमेंट्स है वो ख़राब होने के जो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो ये भी अगर आप चाहो तो आप इंस्टॉल करा सकते हो कंपनी से। एंड देख सकते हो गाइस, जो इसका एग्जॉस्ट है वो काफ़ी अच्छे तरीके से देखने को मिलता है। इसमें पैरेलल ट्विन इंजन के कारण ट्विन एग्जॉस्ट जो है वो देखने को मिल जाता है, जिसके कारण बाइक का जो पीछे का जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है। एंड यहाँ पे देख सकते हो गाइस, अगेन यहाँ पे आपको जो GT650 ट्विन का जो लोगो है वो देखने को मिल जाता है। एंड ये जो पार्ट है वो भी फाइबर का है। यहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत जो प्रोटेक्शंस है वो देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपके पैर को इंजन के हीट से प्रोटेक्ट करेंगी। एंड ये रहा, नीचे की तरफ हम आए तो ये रहा इस बाइक का फुटपैक्स। तो फुटपैक्स की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्लिम सा है। अगर आप चाहो तो कंपनी से आप जो ब्रॉड वाला जो है वही फुटपैक्स इंस्टॉल करा सकते हो। एंड ये रहा इसका पिलियन फुटरेस्ट। तो गाइस, इसमें मुझे एक ड्रॉबैक लगा कि अगर हमारा पिलियन से पीछे बैठता है तो उसके शूज़ के कारण आपके जो एग्जॉस्ट है उसमें स्क्रैचेस लगने के जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो इसका भी ऑप्शंस जो है आपको आफ्टर मार्केट देखने को मिल जाता है इसको प्रोटेक्शन के लिए। सो अगर आप चाहो तो आप वो भी इंस्टॉल करा सकते हो। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो आपको इस बाइक में 174 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी डिसेंट सा नंबर है। एंड ये रहा इस बाइक का रेयर सस्पेंशन। सो आपको इस बाइक में पीछे की तरफ पे एक ट्विन गैस चार्ज शॉक एब्जॉर्बर देखने को मिल जाता है विथ एडजस्टेबल प्रीलोड। सो अगेन, इसकी भी जो ट्यूनिंग है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से की गई है, ताकि आपको एक काफ़ी स्मूथ एंड कंफर्टेबल सा जो राइडिंग एक्सपीरियंस है वो थ्रू आउट द जर्नी मिल पाए। सो आपको इस बाइक में रेयर की तरफ पे एक 130x70x18 सेक्शन का रेयर
रियर टायर देखने को मिल जाता है एंड अगेन अगर पीछे में भी आपको स्पोक व्हील्स ही देखने को मिलते हैं एंड हियर आर इस बाइक का रियर ब्रेक। सो गाइस इस बाइक में पीछे की तरफ पे हमें एक 240 mm का सिंगल डिस्क देखने को मिल जाता है जिसकी अगेन यहाँ पे भी आपको वाइब्रेट के जो कैलिपर्स है ब्रेक कैलिपर्स वो देखने को मिलते हैं एंड जैसा कि मैंने बताया कि ये बाइक आती है डुअल चैनल ABS के साथ जिसके कारण इसकी जो ब्रेकिंग एफिशिएंसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड अगेन हम बाइक की दूसरी साइड की तरफ अगर आए तो इस साइड का भी जो लुक है वो काफ़ी अच्छा है। इस बाइक में कोई भी आपको डबल स्टैंड देखने को नहीं मिलता है बिकॉज वो माउंट करने का यहाँ पे कोई जगह नहीं है तो बाइक पंचर होने का टाइम या अगर आप चेन लूप करते हो तो उस टाइम पे आपको थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। एंड यहाँ पे आपको इंजन की तरफ पे एक रॉयल एनफील्ड का जो लोगो है वो देखने को मिलता है एंड ओवरऑल इस बाइक का जो लुक है वो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको एक साड़ी गार्ड भी जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड अब हम आते हैं इस बाइक का रेयर लुक की तरफ। तो गाइस रेयर से देख सकते हो ये रहा इस बाइक का रेयर टेल लैम्प तो इसको मैं ऑन करके दिखा दे रहा हूँ। तो पीछे की तरफ पे भी आपको कोई भी LED टेल लैम्प का सेटअप जो है वो देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको नॉर्मल हेलोजन टेल लैम्प ही देखने को मिलता है एंड अगेन आपको हेलोजन वाले इंडिकेटर्स है वही आपको पीछे की तरफ भी देखने को मिल जाते हैं बट आई विश कि हमें इस प्राइस पॉइंट पे इस पे LED टेल लैम्प एंड LED इंडिकेटर्स का ऑप्शन मिल पाता। एंड ये रहा इस बाइक का रियर मडगार्ड एंड यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाता है। सो इस पे काफ़ी डिसेंट साइज़ का जो रियर मडगार्ड है वो देखने को मिल पाता है बट काफ़ी लोग क्या करते हैं कि इसका जो मडगार्ड है वो पीछे का हटा देते हैं जिसके कारण इसका जो लुक है वो और भी ज़्यादा निखर के आता है। चाहो तो आप वो भी कर सकते हो एंड देख सकते हो गाइस पीछे से जो बाइक का जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है बिकॉज ऑफ दिस ट्विन एग्जॉस्ट जो कि साउंड में भी काफ़ी अच्छे हैं एंड देखने में बाइक को काफ़ी एक बल्कि सा लुक दे देते हैं। एंड इन लास्ट हम बात करें इसके सीट की तो गाइस देख सकते हो ये बाइक में स्टॉक सीट ही लगा हुआ है एंड इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग सीट ऑप्शंस देखने को मिलते हैं जिसमें आपको सिंगल सीट देखने को मिल जाएगा अलग बहुत सारे अलग अलग वैराइटीज़ देखने को मिलते हैं आपको इसमें सीट कॉल का भी जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। एंड फिलहाल अगर इस सीट की बात करूँ तो इस सीट की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है काफ़ी ज़्यादा स्पेस फॉर बोथ राइडर एज वेल एज पिलियन देखने को मिल जाता है जिसके कारण दोनों को ही थ्रू आउट जर्नी काफ़ी स्मूथ एंड कंफर्टेबल जो पोजीशन है वो देखने को मिल जाएगा। एंड पीछे की तरफ पे आपको एक छोटा सा मेटल का आपको एक ग्रैब रेल भी देखने को मिल जाता है। एंड एक चीज़ और गाइस यहाँ पे आपको जो USB चार्जिंग का भी जो ऑप्शन है वो यहाँ पे अब दे दिया गया है देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको USB जो चार्जर है वो देखने को मिल जाता है सो आपको अलग से आप कोई भी USB चार्जर जो है लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एंड ओवरऑल गाइस बाइक का जो लुक है वो कैसा लगा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हालांकि गाइस जो लुक्स होता है वो एक सब्जेक्टिव पार्ट है हर किसी का पसंद और नापसंद अलग अलग होता है बट अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ इस बाइक का जो लुक है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है एंड आपको ये बाइक कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं रोड पे एंड अभी हम GT 650 को रोड पे दौड़ाने वाले हैं एंड इसका जो एक्चुअल जो राइड रिव्यू है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आप बाइक का जो की है वो दिखा देता हूँ की कुछ इस टाइप का है एंड बाइक एक बार आप फिर से देख लो कितना सही लग रहा है बाइक स्पेशली जो ब्रिटिश ग्रीन कलर है इसमें कितना बाइक का जो लुक है देखने में अच्छा लग रहा है। सो अभी इस बाइक को हम लोग राइड करते हैं एंड इसके बाद जो राइड रिव्यू है वो आप सबके साथ मैं शेयर करता हूँ। सो गाइस अभी बाइक को मैंने ऑन कर दिया है एंड एक बार इसका जो वॉक अराउंड है वो आप फिर से देख लो हाँ देखने में कैसा लग रहा है बाइक आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जस्ट चेकआउट द लुक्स कितना सही लग रहा है एंड बाइक का जो रोड प्रेजेंस है वो भी काफ़ी अच्छा है। एंड अभी इसका जो एग्जॉस्ट नोट है वो मैं आपको एक बार सुना दे रहा हूँ फिर से। सो गाइस अभी तो बाइक को हम लोग ज़्यादा रेव नहीं करेंगे क्योंकि बाइक अभी नहीं है बट अभी चलाते वक्त जो इसका जो रॉ फुटेज है जो इसका एग्जॉस्ट का वो आप इन्जॉय करना। तो गाइज बाइक पे बैठने के बाद सबसे पहला चीज़ जो आप फील करने वाले हो वो है इस बाइक का वेट। सो गाइज ये बाइक ऑलमोस्ट 204 किलो की है सो उठाने स्टैंड से अब इसको आप सीधा करोगे तब आपको जो वेट है वो फील होगा बाइक का। एंड अगर बात करूँ सीट हाइट की तो आपको इस बाइक में 804 mm का सीट हाइट देखने को मिल जाता है। मेरा हाइट है 5'8" एंड देख सकते हो मेरे दोनों ही जो पैर है ज़मीन पर अच्छे से टच कर रहे हैं सो अगर आप 5'5" के भी हो तो आप इस बाइक को चला सकते हो ईजिली बट अगर आपकी हाइट इससे थोड़ी छोटी है तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि बाइक का जो वेट है वो थोड़ा ज़्यादा है। एंड अभी सबसे पहले हम लोग बाइक को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट गियर एंड लेट्स राइड द बाइक। सो गाइज देख सकते हो बाइक का जो पिकअप है जो बाइक का जो इनिशियल पिकअप है वो बहुत ही अच्छा है आपको बाइक स्टार्ट करने के साथ ही जो इसका जो टॉर्क है वो आप फील कर पाओगे इसका जो पावर है वो आप फील कर पाओगे काफ़ी दमदार सी ये बाइक है एंड चलाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एंड राइडिंग पोस्चर की अगर बात करूँ गाइस तो इसका जो राइडिंग पोस्चर है वो थोड़ा स्पोर्टी है एज अ कैफे रेसर जैसा कि इसमें आपको क्लिप-ऑन हैंडल बार्स मिलते हैं तो जब इस बाइक को आप राइड करोगे तो आपको आगे की तरफ में इसमें लीन करना पड़ेगा तो अगर लॉन्ग राइड पे इसको आप लेके जा रहे हो तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। एंड पावर आउटपुट की बात करूँ तो बाइक का जो पावर आउटपुट है आप देख सकते हो
आप बस इसको एक्सीलेटर दो एंड ये बाइक बस भागने के लिए रेडी है। सो पावर वाइज तो कहीं भी इस बाइक में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। एंड अभी तो बाइक को हम ज़्यादा भगाएंगे नहीं बिकॉज बाइक अभी नहीं है, अभी इसका फर्स्ट सर्विसिंग भी जो है वो नहीं हुआ है, तो इसीलिए अभी बाइक को हम लोग ज़्यादा अभी भगाएंगे नहीं। इसको हम लोग अभी धीरे धीरे ही चलाएंगे, 4000 RPM में अभी क्रॉस नहीं करूँगा। एंड अभी हम हैं थर्ड नंबर गियर में, एंड अगर मैं फोर्थ नंबर गियर की बात करूँ, देखो फोर्थ नंबर गियर में भी हम लोग ईजिली इस पर 40 पे चला सकते हैं, इसमें शॉर्ट गियर रेशियो का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये हाई गियर्स में भी अच्छे तरीके से चल पा रही है अराउंड, मैं फोर्थ गियर पे हूँ, मैं फिफ्थ में भी दूंगा तो आराम से 40 पे आराम से मैं चला पा रहा हूँ, तो इसका भी कोई इशू नहीं है। एंड जैसा कि आपको पता है कि इस बाइक में आपको स्लीपर क्लच देखने को मिल जाता है, तो गियर शिफ्टिंग जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, काफ़ी ईजिली जो है वो इसमें आप गियर शिफ्ट कर पाते हो, जस्ट देख सकते हो। एंड द वे दिस बाइक पुल्स इज अमेजिंग गाइस, आई लिटरली लव दिस बाइक। एंड बाइक का जो रोड प्रेजेंस है गाइस वो भी काफ़ी दमदार है, हर लोग मुड़ के देख रहे हैं। एंड स्पेशली जो कलर है देख सकते हो कितना अच्छा तरीके से शाइन कर रहा है। एंड बाइक का जो एग्जॉस्ट नोट है गाइस वो तो आप सुन ही सकते हो, बहुत ही पैरेलल ट्विन इंजन का जो आवाज़ इतना सूदिंग है, सो काफ़ी मज़ा आ रहा है चलाने में बाइक को। एंड यहाँ से हम लोग चलते हैं थोड़ी अंदर की तरफ। सो गाइस अगर जब इस बाइक को आप टर्न करते हो तब उस टाइम पर आपको जो वेट है थोड़ा सा फील होगा, अगर ऐसा तो ये गाइस ये बाइक का जो वेट है अराउंड 204 किलो का है, तो चलाने टाइम तक आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा, बट अगर कहीं आप रोक रहे हो या कहीं पहचाना से आपको मोड़ काटना पड़ जाए, बाइक की स्पीड कम हो, तब आपको पता चलेगा इसका जो वेट है वो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस बाइक का जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया है। बाइक का जो सस्पेंशन है वो ना ही ज़्यादा स्टिफ है ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है, एक काफ़ी अच्छा सा जिसमें जो ट्यूनिंग है अच्छे तरीके से किया गया है ताकि आपको एक काफ़ी अच्छा राइडिंग पोस्चर मिल सके। इसको ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं बनाया गया है क्योंकि बाइक का जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर ज़्यादा सॉफ्ट बनाने से बाइक को बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसीलिए गाइस बाइक का जो सस्पेंशन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से ट्यून किया गया है जो कि बाइक के कैरेक्टर के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से मैच करता है एंड चलाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। हम लोग थोड़ा यहाँ से लेफ्ट लेंगे एंड यहाँ पर जो ब्रेकिंग है वो मैं आपको ब्रेकिंग टेस्ट करके दिखाता हूँ कि ब्रेकिंग कैसा है इस बाइक का। सो गाइस ये रहा रियर ब्रेक, सो रियर ब्रेक में काफ़ी अच्छी जो बाइट है वो देखने को मिल जाती है। एंड बात करूँ अगर फ्रंट ब्रेक की, तो फ्रंट ब्रेक जो है गाइस वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। एंड अभी बाइक को थोड़ा सा हम लोग पुल करने की कोशिश करते हैं, देखिए गाइस अभी तो ज़्यादा भगाने का अभी मैं ज़्यादा इस बाइक को भगा नहीं सकता, सो एक बार इसकी फर्स्ट सर्विसिंग हो जाए उसके बाद इसको जाने में मज़ा आएगा। जब ये बाइक पुल करना शुरू करती है गाइस तब मतलब बहुत ही अग्रेसिवली पुल करती है बाइक, एंड दिस बाइक इज़ ऑल अबाउट पावर जो कि इसमें कूट कूट के भरा गया है। सो आई लिटरली लव द वे दिस बाइक पुल्स। एंड इसमें एक जो मुझे ड्रॉबैक लग रहा है वो है हीटिंग का, जो कि नॉर्मल सी बात है गाइस ऑलमोस्ट एक 650 cc की बाइक आप चला रहे हो तो हीटिंग इसमें थोड़ी बहुत तो होगी क्योंकि इतना बड़ा इंजन इसमें मिला है, तो बट उतना तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर ही सकते हो। सो दैट्स इट गाइस, आई होप आपका आज का जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैं जो भी इस बाइक का जो डिटेल्स है कम से कम टाइम में आप सबके साथ शेयर कर सकता था, मैंने आपको सारा शेयर करने का पूरा कोशिश किया है। एंड अभी जो है इस बाइक का जो ओनर है उनके साथ मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। गाइस ये है मृत्युंजय एंड ये बाइक इन्हीं की बिलोंग करती है। सो भाई वेलकम टू माई चैनल। सो कैसे हो आप? ठीक ठाक चल रहा है आप? और मैं भी बहुत बढ़िया। सो गाइस सो भाई ये बाइक लिए कितने दिन हो गया तुम्हें? एक महीना हुआ है। एंड एक महीने में कितना चला रही है तुमने इस बाइक को? 600-700 किलोमीटर। सो अभी तक इस बाइक का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा तुम्हारे? अंडर 4 lakhs, ये 650 का इंजन का जो टॉप मॉडल है इनफील्ड का, ये 390 से मच बेटर लगा मेरे को, क्योंकि ये स्पोर्ट्स बाइक में भी आता है या रेसर में भी आता है, लेकिन अंडर 4 lakh ये बहुत ही अच्छा बाइक है। भाई से एग्री करता हूँ कि 4 lakh में आने वाले और भी बहुत सारे मार्केट में आपको अलग अलग बाइक्स देखने को मिल जाएंगी, बट इस बाइक का जो फील है वो काफ़ी अलग है। आपको इस बाइक में एक स्पोर्ट्स बाइक वाली जो पावर है वो भी देखने को मिल जाएगी एंड आपको एक जो लुक है एंड जो फील है वो भी आपको इस बाइक में देखने को मिल जाएगा। जब इस बाइक को आप राइड करते हो तो आपको फील होगा कि हाँ आप कुछ दमदार से चीज़ चला रहे हो। सो भाई का चॉइस के लिए हैट्स ऑफ। एंड भाई इसका जो प्राइसिंग आपको कितना पड़ा ऑन रोड 390 के करीब? 390,000। भाई भी इस बाइक से पूरा सेटिस्फाई है। सो बाइक अगर हमारे कोई भी व्यूअर है कि बाइक लेना चाहते हैं तो आप क्या ये बाइक उनको सजेस्ट करोगे? ले सकता है, कोई भी कोई बुरा कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ एक ही दिक्कत होगा जो इसका
डबल स्टैंड नहीं है, डबल स्टैंड नहीं है, हाँ। इसका ही दिक्कत होगा, और बाकी इसका जो पावर, इसका पिकअप और इसका लुक बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। देख लिया आपने, जो ओनर है वो भी आपको इस बाइक, ये बाइक को 100% रेकमेंड करते हैं। एंड अगर अभी बाइक लेने का सोच रहे हो तो अंडर 4 लाख रुपीज़ गाइस, ये वन ऑफ द बेस्ट बाइक है मार्केट में। एंड आई ट्रूली लव दिस बाइक। एंड आपको ये बाइक कैसा लगा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अगर आप ये लेने के लिए सोच रहे हो देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस बाइक। दैट्स इट गाइस, आई होप आपको आज का जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल लगा होगा, आपके सारे डाउट जो इस बाइक को लेके वो क्लियर हो गए होंगे। एंड इसके अलावा भी कोई डाउट रह गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपको रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करूंगा ताकि आपका जो डाउट्स है वो हम सॉल्व कर सके। एंड आपको आज का वीडियो है वो कैसा लगा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अभी आने वाले टाइम पे हम और भी अच्छे अच्छे जो कंटेंट्स अपने चैनल पे लाने वाले अलग अलग बाइक्स के रिव्यूज़, सो उसके लिए गाइस मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। एंड आज के लिए बस इतना ही रखते हैं गाइस, फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए और फ्रेश ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राइड सेफ एंड टेक केयर, बाय।